गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम समझेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा भारत का, उसके थोड़े से बेसिक पॉइंट्स के बारे में कि उसके लिए हमारे संविधान में किस तरीके की चीज़ें लिखी गई हैं, कौन सा अनुच्छेद है हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए, और भारत में टोटल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं। तो ये सभी छोटे छोटे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे आज के इस छोटे से वीडियो में, और देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या महत्व है हमारे संविधान में और हमारे भारत के लिए और हमारे मौलिक अधिकारों के लिए। ठीक, तो पूरे लास्ट तक लेक्चर में बने रहिएगा और पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखिए सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट, पहले तो हमें अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पहले हमें ये चीज़ देखना होता है कि वो हमारे संविधान में कहाँ पर है या फिर कौन से भाग में है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है? भाग 5 में लिखा हुआ है। अब इसके लिए भाग 5 में तो है, लेकिन आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए। भाग 5 तो हमने देखा, फिर उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो 124 से लेकर 147 तक का जो आर्टिकल है वो किसके अंदर आता है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। वो सब उसमें सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताई गई हैं, कहाँ से कहाँ तक, 124 से लेकर 147 तक। ठीक, अब उसके बाद वर्तमान में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो उनका नाम क्या है? एनवी रमन। और जो कौन से नंबर के हैं? तो 48वें नंबर के वो चीफ जस्टिस है। ठीक है, क्योंकि नंबर आपसे पूछा जाता है। और इनसे पहले कौन थे? S.A. बोबडे जी थे इनसे पहले भारत के चीफ जस्टिस। ठीक, हमने इसीलिए इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में टोटल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा कोर्ट, यानी कि जो अपने आप में ही सबसे बड़ा है। तो क्या उससे बड़ा भी कोई हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। तो आपको सीधे से आंसर कर देना है कि भारत में केवल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? 1 सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब उसके बाद देखिए जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये हो सकता है आपके पेपर में पूछा जाए, या फिर हो सकता है आपके जानकारी के लिए में, आपकी जानकारी में वृद्धि हो, इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? कोलिजियम सिस्टम होता है, उसके द्वारा किसी भी चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। अब उसके बाद देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है उनके पास क्या होता है? रिट जारी करने की शक्तियाँ होती हैं। रिट जारी करने की शक्तियाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के पास होती है। और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाता है, हमें तो मालूम चल गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास रिट जारी करने की शक्ति होती है, लेकिन एग्जामिनर आपके तरीके से नहीं देखता है, वो अपने तरीके से देखेगा। किस तरीके से? वो आपसे ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस पूछता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है दोनों ही तो रिट जारी करते हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ रिट होता है, या फिर जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा संबंधित जो रिट होता है, उन दो उस टॉपिक पर किसके पास रिट करने की जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा होती हैं? तो ये होती है हाई कोर्ट के पास। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन हमारे मन में आएगा सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हाई कोर्ट इसका आंसर बनेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको इस चीज़ें ध्यान रखनी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मैंने लिखा हो, लेकिन केवल मौलिक अधिकार के संबंध में। उसके बाद देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू करने की ताकत होती है। और ये जो आर्टिकल है वो 13 बताता है, आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि मान लीजिए कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया गया है जो कि हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है या फिर हमारे मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, तो वो जो टॉपिक होगा या फिर वो जो सब्जेक्ट होगा वो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? रिव्यू करेगी। अगर उसको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को खारिज कर देती है। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, और यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अब उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर आपसे पूछा जाता है, तो क्या है? 124 है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जो कहता है कि भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट होंगे? 1 सुप्रीम कोर्ट। किसके द्वारा कहा गया? आर्टिकल नंबर 124। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 126 कहता है एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति। हम कई बार देखते हैं कि कहा जाता है किसी के नाम के आगे लिखा होता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक, तो इसका पर्टिकुलर ये जो टर्म मैंने आपको कहा, इसका क्या मतलब होता है? इसका भी तो कोई मीन्स होगा। तो देखो, इसका ये सीधा सा मतलब होता है कि अगर जो उस कोर्ट का सुप्रीम जो चीफ है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो उसके जो सेकंड लेवल पर जो होगा, सबसे ऊंचे पद पर जो जज होगा उसको छोड़कर सेकंड पर, तो वही कहलाता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तब वो जो, मान लीजिए कि आपके घर में, सीधा सा आपके घरों से रिलेट होता है। देखिए मैं आपको इसको समझा देती हूँ आपके घर से रिलेट करके। ठीक है, देखो जब आपके घर में आपके
पापा नहीं होते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लिया पापा कहीं बाहर चले गए तो घर का मुखिया कौन होता है, माँ होती है, ठीक। या फिर आपके दादाजी घर पर कहीं से बाहर चले गए हैं घर के बाहर, तो उस टाइम पर आपका घर का मुखिया कौन होता है, आपके पिताजी होंगे या फिर आपकी दादी माँ होंगी, है ना। तो इसीलिए सीधा सा यही होता है। तो वो मान लीजिए हमने कह दिया वो हमारे घर की क्या है, एक्टिंग चीफ है, यानी कि उनके पद पर वो रहकर उनके कार्यभार को संभाल रही है। तो यही सीधा सा मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो उपलब्धि है वो नहीं हो पा रही है या फिर अनुपस्थिति है उनकी, तो उनके जो सेकेंड लेवल पर होगा वो होगा क्या, उसका मुखिया, ठीक है। मुखिया का मतलब उनके कार्यभार जितने भी होंगे वो उसको वही संभालेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब सुप्रीम कोर्ट था तो उसको किस एक्ट के तहत बनाया गया, मैंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसको किस एक्ट के तहत बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसको बनाया गया था। और हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब बना, तो यहाँ पर एक एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके हिसाब से 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना की जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर की गई, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट यानी कि कलकत्ता में की गई। और देखिए इसमें रेशियो कितना था, 1:3 का, यहाँ पर जो 1 है वो क्या है, चीफ जस्टिस है, और 3 क्या है, अदर जजेस है। और अभी प्रेजेंट में कितना रेशियो है, 30:1 का, कितना रेशियो है, 30:1 का, यानी कि 1 क्या है चीफ जस्टिस है और 30 क्या है अदर जजेस है, ठीक। तो ये जो रेशियो मैंने आपको यहाँ पर बताया है 30:1 का, ये रेशियो आपको याद रखना है क्योंकि आपसे ये रेशियो पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो सीधी सी बातें थी, हमने इस छोटे से वीडियो के अंदर पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। यानी कि हमारे पेपर में जो जो भी वन लाइन में क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिए, और मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स भी यहाँ पर लिख रखे थे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, कुछ मैंने आपको बोलकर भी समझा दिया, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो अब हम चलेंगे, ऐसे ही बीच बीच में सीरीज आती रहेगी जिससे आपको क्या हो, हर एक टॉपिक कवर होता जाए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।